दोस्तों आज का टाइम में एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को जॉब मिलना कितना मुश्किल है ये हम सब लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं फुल गाइड करूंगा कैसे आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर होके आप करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कैसे बिजनेस फील्ड में आप एक फ्रेशर होके स्टार्टअप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप जॉब फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज ए फ्रेशर। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए और यहाँ पर आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे और आगे जाके आप एक अच्छा कंपनी में घुस पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ना होने के वजह से आपको हर एक कंपनी रिजेक्ट कर देती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं वही बताऊंगा कैसे आप इनिशियल लेवल पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डिप्लोमा या फिर बीटेक कुछ भी आप किए हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके बाद आपको ढूंढना है कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रोमोटर। आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं उसी एरिया में जो नज़दीकी कोई सिटी होगा या फिर आपका कोई चिन्ह पहचान होगा या फिर रिलेटिव्स होगा जो कॉन्ट्रैक्टर ही काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, फिर आप ढूंढने का कोशिश करिए, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ और बोलो, सर मैं आपके पास एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ, आप मुझे कुछ काम दीजिए। इनिशियल लेवल पे अगर वो कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रोमोटर आपको रिजेक्ट कर देता है तो आप बोलिए, सर मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो अच्छा कॉलेज से आते हैं उन लोगों को कैंपसिंग हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो सिविल इंजीनियर्स है वो एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कैंपसिंग होता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए खास ये जो टिप्स है ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा। जिन लोगों को कैंपसिंग से जॉब मिल जा रहा है उन लोगों का बात अलग है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है जॉब तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप कोई कंपनी में जाते हैं वहाँ पर काम करने का आपका जितना सीखने का जो स्कोप है उससे बेटर पॉसिबिलिटी आपको एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में स्टाफ कम रहता है। तो आपको क्या होगा, एज ए सिविल इंजीनियर आपको सब कुछ हैंडल करना होगा, वहाँ पर जाके आपको लेबर को भी हैंडल करना होगा, बिलिंग भी करना होगा, साइट भी देखना होगा, क्वालिटी भी देखना होगा, सब कुछ देखना होगा, या फिर और क्लाइंट जो आएंगे उनको भी हैंडल करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप 1-1.5 साल अगर काम कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा काम के ऊपर नॉलेज हो जाएगा, जो आपको दोनों चीज़ में हेल्प करेगा, बिजनेस में भी हेल्प करेगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको कोई इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको आप जो एक्सपीरियंस किए हैं मतलब आपका बातों में आपका एटीट्यूड में वो दिखेगा ना, ये बंदा सही में काम किया है, काम सीखा है, ये चीज़ आपका काम में दिखेगा। तो आप क्या कीजिए, 2 इयर्स काम कर लीजिए और वो कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रोमोटर को आप बोलिए, सर आपका जो ऑफिशियल पैड है वहाँ पर आप मेरा नाम लिख के, प्रोजेक्ट का नाम लिख के एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए। वहाँ पर जो उनका जो ऑफिशियल पैड है वहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, किस प्रोजेक्ट में आप काम किए, क्या क्या काम किए हैं, वो थोड़ा ब्रीफली लिख के वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका ऑफिशियल स्टैम्प मार देगा और कॉन्ट्रैक्टर एक साइन कर देगा, तो उसमें आपका काम चल जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, naukri.com जैसा जो जॉब पोर्टल से और भी बहुत सारा जॉब पोर्टल है वहाँ पर आप सीवी अपलोड कर दीजिए। और पिछले वीडियो में आप लोगों को फ्री टिक बताया था कैसे आप naukri.com से जेन्युइन जॉब ले सकते हैं, उस टेक्निक को आप यूज करते रहिए। तो ऐसे करेंगे फिर आपको अच्छा अच्छा कंपनी से इंटरव्यू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया। तो वहाँ पर आप कंपनी में जब जाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है, काम का एक्सपीरियंस, इंटरव्यूअर जो है आपका इंटरव्यू लेके उनको समझ आ जाएगा ना, ये जो बंदा है ये रियली में एक्सपीरियंस्ड है। तो आपको एक इनिशियल लेवल पे एक अच्छा बहुत कंपनी मिल जाएगा, फिर वहाँ पर आप एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत सारा लोगों को पता नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टर लोगों के अंडर काम करके भी एक्सपीरियंस गेन किया जाता है। तो बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों, आप इसका जो सर्टिफिकेट उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको लेके भी आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए, आप ढूंढेंगे तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रोमोटर आपका एरिया में मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों आप लोगों के लिए मेरा आज का टिप्स, इसको आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए।
कुछ अगर आप लोगों को क्वारीज है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।